हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनूप सिंह आपको लेकर आया हूँ एक बार दिखाने द्वारका ग्रीन वैली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर द्वारका ग्रीन वैली में सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स हाउस हैं, जैसे कि पार्क के जो कि आपको मिल जाता है 25 फुट का रोड दोनों साइड। आज हम आपको वैसे दिखाने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट साइड साउथ वेस्ट में लगभग 117-114 का हाउस। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और एक बार इसका व्यू मैं पूरा दिखा देता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरे सामने जो हाउसेस हैं, पार्क फेसिंग लगभग आपको 106 गज में 2BHK सेमी फर्निश्ड मिल जाता है। इसी तरीके का हाउस हम आपको साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ फेस में भी दिखाएंगे। और देखिए 25 फुट का रोड है, लगभग 42 फुट का चौड़ा पार्क मिल जाता है आपको। सामने मिल जाता है आपको डुप्लेक्स जो कि आपका 103 वर्ग गज में सेमी फर्निश्ड और 3BHK प्लस स्टडी है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको यहाँ पर 1 बेडरूम मिल जाता है, ऊपर आपको 1 बेडरूम एक पीछे बेडरूम, तो 3BHK प्लस स्टडी मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये पार्क दिख रहा है। सामने मैं आपको गेट भी दिखा देता हूँ एक बार। ये सामने आपको गेट है जो कि आप द्वारका ग्रीन वैली लिखा हुआ है। एंट्रेंस है जो कि मेन ईस्ट एंड वेस्ट आपको यहाँ पर हाउसेज ये वाले मिल जाएंगे। और पीछे जो मैं आज आपको लेके जाऊँगा उस साइड में आपको नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये पानी की टंकी है जो कि 1 लाख कैपेसिटी की है और सभी पे वाटर टैंक लगा हुआ है ऊपर। और पार्क आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी अच्छा और लग्जरी पार्क दिया हुआ है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, फिर भी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट हाउस आपके लिए काफ़ी अच्छी सोसाइटी जो कि सस्ती में अवेलेबल नहीं होगी गाइस। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 फुट का रोड मिल जाता है। आप जैसे कि आप चौड़ाई देख रहे हैं 30 फुट के रोड पर, यहाँ पर आपको नॉर्थ फेस और वेस्ट फेस में और साउथ वेस्ट में भी आपको हाउस अवेलेबल हो जाते हैं जो कि 117-114 गज में है। आज हम आपको 117 गज का हाउस दिखाने के लिए कर आए हैं जो कि नॉर्थ फेस में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कार पार्किंग वगैरह की काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए इधर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है जो कि वॉशिंग एरिया वगैरह कर सकता हूँ। इस घर में कॉर्नर वाले में ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये लैंड भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाती है गाइस। तो देख सकते हैं एंट्रेंस के लिए दो आपको यहाँ पर गेट मिल जाते हैं। पहला गेट आपको ये मिल जाता है जो कि आपका 2.5 फुट का है, जो कि रेयर ये यूज़ होता है, जो कि मेन एंट्रेंस है आपका 3 फुट का जो कि चौड़ाई और 8 फुट की हाइट पर ये आपको ड्राइंग रूम लॉबी सामने दिख जाता है मेन एंट्रेंस से। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। मैं आपको पूरा हाउसेस दिखाऊंगा और आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर। सामने आपको किचन दिख रहा होगा जो कि किचन मॉडलर मिल रहा है, मगर इनमें इन्होंने हाउस में इन्होंने इस किचन के लिए जो प्राइस है वो लेस करा ली थी, इसलिए इनको ये बना के नहीं दिया गया है गाइस। ये अपना सेपरेट अपनी तरीके से कराएंगे तैयार। भाई यहाँ से देख सकते हैं किचन में भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, ऊपर लाइटिंग फॉल सीलिंग वगैरह लगी हुई है। और यहाँ पे भी देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। सामने आपको गेट मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किचन के सामने गेट होता है तो पता लग जाता है विंडो में से। और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। फॉल सीलिंग लाइट्स फैन यहाँ पर आपको दी जा रही हैं जो कि आपका सेमी फर्निश्ड रहेगा। सामने ही आपको मैंने बताया था एक गेट ये भी था जो पार्किंग के लिए खुल जाता है। अगर आपके रिलेटिव वगैरह कोई बैठे हैं तो यहाँ पे तो आप ये वाला गेट यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट बेडरूम, जिसका साइज देखा जाए तो लगभग आपको 10x12 का बेडरूम मिल जाता है वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में। तो यहाँ भी देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। ज़्यादातर मैंने आपको एक पूरा दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने वार्डरोब वगैरह बनवाई है, अलमीरा वगैरह, वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी फॉल सीलिंग आपको लाइट्स वगैरह सारी चीज़ प्रॉपर दी जा रही है। और देख सकते हैं तो हाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छा आपको दरवाजों की मिल जाती है जो होना चाहिए एक लग्जरी हाउस में। अब चलते हैं हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं आपको बाथरूम। देखिए यहाँ पर भी आपको दो तरह का पैनल वगैरह का वो मिल जाता है, जो कि आपका टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको आपका शावर वगैरह का पैनल के लिए ये डाउन में थोड़ा सा दिया गया है। और देख सकते हैं जैगवार की फिटिंग लगी हुई है वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में। आपको ये बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट मिल जाता है।
तो चलिए हम आपको वॉशिंग एरिया भी दिखा देते हैं एक बार, जैसे कि लोगों की डिमांड होती है। वॉशिंग एरिया में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा बड़ा ऊपर आपको जाल दिख रहा होगा, और लाइट भी प्रॉपर आ रही है सर, लाइट भी आ जाती है क्योंकि नॉर्थ फेस में अवेलेबल है गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पर। और बाथरूम की विंडो आपको सामने दिख ही रही होगी गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मटेरियल वगैरह कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं द्वारका वाले। तो गाइस मुझसे एक बार विजिट कर पूछ सकते हैं कि प्राइस वगैरह भी बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा गाइस, जो कि आपको सस्ती प्रॉब्लम में नहीं मिलेगा। तो गाइस हम फाइनली अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम का भी जो आपका अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपका 10x12 का साइज रहेगा गाइस। देखिए वॉल सीलिंग थोड़ा यहाँ पे चेंज, फैन लगा हुआ है, अटैच टॉयलेट वो वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में। यहाँ पे मैंने आपको बताया 117 गज में 114 गज में हाउस अवेलेबल हो जाते हैं, 2BHK सेमी फर्निश रहेगा। इसकी बात करी जाए तो लगभग आपको 22x48 डायमेंशन मिल जाती है। तो मैं एक बार यहाँ से आपको प्रॉपर पूरा दिखा देता हूँ। तो गाइस अब आ चुके हैं हम, जैसे कि उसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्क चल रहा था, टाइल्स वगैरह कुछ टूटा हुआ था जो कंप्लीट किया गया है, तो सारी चीज़ हम प्रॉपर चेक करके ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में, यहाँ टाइल्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज किया गया है, शावर वगैरह पैनल सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आपको ये भी सीट मिल जाती है और वॉश बेसिन भी अटैच मिल जाता है इसमें। तो दोनों बेडरूम में आपको वेस्टर्न टॉयलेट सीट मिल जाती है गाइस, और अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है जिसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फ्लैट वगैरह में ये दिक्कत रहती है कि आपको कभी भी आपको अपनी छत या ज़मीन नहीं रहती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं नीचे से भी दिखा देते हैं। तो गाइस आपने देखा कि ये पूरा किचन दो बेडरूम सहित काफ़ी अच्छा हाउस है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, जो कि आपको इस प्राइस में शास्त्रीपुरम में हाउस पॉसिबल नहीं है। बाकी आप इंटीरियर वगैरह आप खुद करा सकते हैं। दो दरवाजे मिल जाते हैं। चलिए फिर आपको ऊपर टॉप पर भी ले चलते हैं एक बार हम बाहर जाते हुए, और पार्क वगैरह भी आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, तो वो पार्क भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो कि पार्क फिशिंग हाउस थे वो ज़्यादातर सेली हो चुके हैं। चलिए हम आ चुके हैं छत पर, और यहाँ ग्रेनाइट लगा है कॉमन एरिया में, ये देख सकते हैं ऐसे इसकी रेलिंग लगी हुई है। बहुत से लोग इसको भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे भी आप कुछ अलमीरा वगैरह बनवा सकते हैं, सूझ जाएगी, या फिर इस वाले पोर्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट हाउस के मैंने हर वीडियो में यही कहता हूँ कि छत अपनी होती है, ज़मीन अपनी होती है, तो बहुत अच्छा रहता है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ फेस में हाउसेज है। पीछे वाली लैंड की बारी बात करूं तो ये भी आज सेल हो रही है, जो कि आपकी एडी अप्रूवल नहीं है, नगर निगम में है, इसके लिए भी मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं इंफॉर्मेशन। सामने जो कॉलोनी दिख रही है वो आपका अंसल कोर्ट यार्ड है, ये आपका चक रोड है। सामने फ्रंट पे आप आ जाते हैं तो देख सकते हैं तो गाइज आपको मैंने पूरा हाउसेज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दिखा दिया, और अगर आपके भी कुछ क्वेरी है तो कॉल कर सकते हैं, या आप किस तरीका हाउस चाहते हैं तो कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वैसे मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर फ़ोन रिसीव नहीं होता है तो आप मुझे कॉल। हेलो गाइज, जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा उससे मैंने ये जो हाउस दिखाया है आपको, ये नॉर्थ फेस में अवेलेबल है, जिसकी डायमेंशन मैंने आपको बताई थी लगभग 22x48। अगर आप भी ऐसा हाउस देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको केवल अब जो हाउस अवेलेबल है वो मिल जाएगा आपको साउथ वेस्ट में
जो कि आपका डायमेंशन वही है सेम जैसे कि मैंने आपको ये बताया है। लगभग 117 से 14 गज के अवेलेबल में वो 2BHK सेमी फर्निश आपको मिल जाएगा। अगर मैं प्राइस वगैरह के बारे में बात करूँ तो गाइस शास्त्रीपुरम में इस प्राइस में हाउस मिलना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो हाउस है लगभग 62 लाख का अवेलेबल है जो कि सेल हो चुका है। अगर मैं बात करूँ साउथ वेस्ट वाले की तो हो सकता है उसमें नेगोशिएबल थोड़ा हो जाए। तो गाइज मैं आपसे कह सकता हूँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पार्क फेसिंग भी हाउस चाहते हैं तो गाइज मैं कहना चाहूँगा कि आपको पार्क फेसिंग हाउस भी मिल जाएगा, बट वो मिलेगा आपको रीसेल में। अगर मैं डुप्लेक्स की बात करूँ 3BHK है, वो भी आपको 103 वर्ग गज में, एंड सिम्प्लेक्स भी आपको 106 वर्ग गज में पार्क फेसिंग रीसेल में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो भी मेरी वीडियो डलती है या मैं अपलोड करता हूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो वाई या सेल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास शो हो रहा है। तो गाइज मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार एपिसोड में। थैंक यू गाइज़।